What is up guys, कैसे हो आप लोग? Welcome back to another video on the 23 Rides channel. And आज वो दिन है जब मैं एक बहुत ही important upgrade करने वाला हूँ अपनी Adventure 390 में. अगर आप लोग मेरे videos देख रहे हो तो आपको पता होगा मैं एक चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, वो है Adventure 390 का suspension. And finally मुझे एक ऐसा जुगाड़ पता लगा है जिससे Adventure 390 का suspension soften out हो जाएगा, काफ़ी soft हो जाएगा, जितना मुझे होपफुली चाहिए, एंड एक कम्फर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगा. तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मार्केट में हैं, कोई 17,000 का, कोई 18,000 का, कोई जेडलिंग सस्पेंशन, कोई 14,000 का, बैंगलोर में कुछ बना रहा है. बट एक जो बढ़िया सस्पेंशन मुझे पता लगा है, आज हम वो इंस्टॉल करने वाले हैं. तो अगर आप ADB 390 चलाते हो या लेने के बारे में सोच रहे हो या इसके सस्पेंशन के बारे में आपको बुरे सपने आते हैं, सो आई थिंक इस वीडियो को आपको देखना चाहिए. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि ये जो जुगाड़ है ये ADB 390 पे फिट बैठता है. सो आई विल बी शोइंग यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सो लेट अस हॉप ऑन टू आर ADB 390 एंड हेड टू द मार्केट. पहले उस पार्ट को खरीदना है एंड देन विल गेट इट फिटेड. एंड बाय द वे, अगर आप देखो एडवेंचर 390 किन दो लेजेंडरी कार्स के बीच में खड़ी है, वन इज द पुरानी वाली जीप एंड ऑन द अदर साइड इज आर Isuzu V-Cross. सो बाइक की कंडीशन जैसा आप देख रहे हो गंदी है, मैं इसे साफ़ नहीं कर रहा. एक बार सस्पेंशन अपग्रेड करके फिर उसके बाद इसका हाल देखते हैं कैसा रहता है. फिर डेफिनेटली मैं एक बार चेक करना चाहूँगा इसका रिबाउंड कैसा होता है, क्योंकि ADB 390 के जो स्टॉक सस्पेंशन है उसको दबाओ नीचे तो दबा रह जाता है, ऊपर आता ही नहीं है साला. तो बैक पे ना बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है. वेयरिंग दिस न्यू ग्लव्स बाय द वे फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, लेदर ग्लव्स हैं, तो यहाँ पहाड़ों के वेदर में तो बढ़िया सूट करते हैं. एंड इफ़ यू हैव सीन द न्यू खारदुंगला V2 जैकेट, दैट इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. एक्चुअली फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग अ रॉयल एनफील्ड जैकेट एंड मुझे ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इसकी बिल्ड क्वालिटी. मौसम आजकल बढ़िया हो चुका है, शाम का सीन यार रोज़ का ही बारिश का बन रहा है आजकल. ऑलरेडी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है, थोड़ी बहुत बारिश हल्की फुल्की चल रही है. ये बूंदा बांदी गंदी वाली बारिश में ना बदले यार. सो हम एक्सपल्स 200 का सस्पेंशन बेसिकली ADB 390 में लगाने वाले हैं. ये जो गड्ढों में मेरी आवाज़ सुन रही है ना आपको, आई थिंक ये बेटर हो जाएगा आफ्टर दैट सस्पेंशन. ये आया एक छोटा सा ब्रिज. अच्छा, यानी यहाँ से हम निकालेंगे, सस्पेंशन लेने चले हैं और काफ़ी सीनिक सा रूट है ये. तो चलो जी, आ गए हैं हम हीरो के शोरूम में एंड यहाँ से उठाएंगे हम एक्सपल्स का सस्पेंशन. सो दिस इज द सस्पेंशन ऑफ एक्सपल्स एज इट इज़ फिट होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई नो. एंड लेट्स सी कैसा लगता है इसका. देखो जो पैटर्न है स्प्रिंग का इज़ वेल स्पेस्ड आउट, लेट्स सी. सो गाइज नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ के यार सस्पेंशन तो ले लिया हमने, बट हीरो वाला जो उधर वर्कशॉप थी ना वो लोग फिट करने के लिए थोड़ा सा चिक चिक कर रहे थे. देवर सेइंग के यार टूल्स पता नहीं है कि नहीं KTM के. सो हम जा रहे हैं इधर जो अपना KTM की एक वर्कशॉप है, छोटी सी वर्कशॉप है, सर्विस सेंटर तो नहीं है प्रॉपर ये, बट हाँ यहाँ पर एक बंदा बैठता है जो कर देता है KTM का काम ठीक ठाक. एक्चुअली देखा जाए तो दोनों की कंपनी सेम है, ये भी एंड्योरेंस का है वो भी एंड्योरेंस का है, उसकी ब्रांडिंग बस WP की करी हुई है फालतू की. ये WP एपेक्स फॉरेन ब्रांड का बना के, ये पुराना वाला WP एपेक्स सस्पेंशन है इसमें. दिस इज आल्सो मेड बाय एंड्योरेंस, एक्चुअली द सेम कंपनी एंड KTM इसे WP ब्रांड कर देता है. सो दिस वन एंड दिस वन एक्चुअली दोनों एंड्योरेंस के हैं. So this is the new Expulse suspension finally installed hua hai and we'll test it out after this. So guys the suspension is upgraded, right? And what I want to tell you is that definitely the rebound on the motorcycle has increased. Rebound means ke jab aap bike ko dabate ho kis tarah se wo wapas aati hai seat upar uthke gaddon mein jane ke baad. सो दैट इज़ बेटर. एंड एक और जो चेंज मुझे इमीडिएट फील हो रहा है वो है सीट हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है. अब एग्जैक्ट कितने mm बढ़ी है मुझे नहीं पता, बट फॉर मी इट्स नॉट अ बिग चेंज.
अब हाईवे पे चला के देखते हैं कैसी फील आती है। सो मैंने अपना जो स्टॉक सस्पेंशन है वो डेफिनेटली अभी अपने पास ही रखा है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ दिस इज़ गोना बिहेव। व्हाट आई हैव हर्ड इज़ के ये सस्पेंशन काफ़ी प्लश फील होता है। ऑफ कोर्स एक्सपल्स का है, तो एक्सपल्स का सस्पेंशन इज़ मेड फॉर अ लॉट ऑफ रोडिंग, राइट? सो उस हिसाब से ये गड्ढों को बहुत अच्छे से सोक इन करेगा। मैंने इस बाइक पे भी लंबी राइड्स नहीं करी हैं, बट वट एवर लिटिल आई हैव रिडन बैड रोड्स पे ना, थोड़ा सा बैंड सा बचता है यार लिटरली। एंड आई थिंक ये एक कंप्लेंट है जो सब लोगों को है, एटलीस्ट इन इंडिया विद द एडवेंचर 390। एंड अगर ये सस्पेंशन अच्छे से काम करता है ADV 390 पे, आई थिंक देखा जाए तो 6,500 में एक बहुत ही बढ़िया अपग्रेड प्रूव हो सकता है, क्योंकि ऑफ रोड पे आई थिंक दिस इज़ गोना वर्क वेरी वेल। मेन है कि कितना कॉम्प्रोमाइज होता है ऑन रोड राइड एक्सपीरियंस। सो अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ऑन रोड राइडिंग करते हो, देन आई डोंट थिंक दिस इज़ फॉर यू, क्योंकि आपको वो KTM की फ्लिकेबिलिटी पसंद है। सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दैट हाइब्रिड बिटवीन द एक्सपल्स एंड द एडवेंचर 390, कि पावर एडवेंचर 390 की रहे बट सस्पेंशन एक्सपल्स का आ जाए। लेट्स सी, इट्स अ वेरी वेरी विंडी हाईवे राइट नाउ। आई एम श्योर आप लोगों को विंड फील हो रही होगी। दिस इज ऑलरेडी फीलिंग बेटर। तो एक्चुअली सीन ये है कि फ्रंट सस्पेंशन को अपग्रेड करना ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम है, उसमें स्पेसर्स वगैरह पता नहीं क्या क्या डलता है, इससे ट्रैवल पड़ता है आगे वाले फोक्स का, एंड वो आई डोंट थिंक सो इज़ अ जॉब दैट एवरीवन कैन डू। तो मैंने इसलिए अभी उसे छेड़ा नहीं है। रियर सस्पेंशन वॉज जस्ट लाइक अ डायरेक्ट फिट, पुराने सस्पेंशन को निकाला नए को लगा दिया। एंड जो लिटरली पागल बना रहा है ना KTM सबका, सेम के WP सस्पेंशन है, कुछ नहीं है भाई, एंड्योरेंस का सस्पेंशन है, सेम एक्सपल्स का भी सस्पेंशन एंड्योरेंस नाम की कंपनी ही बनाती है। KTM ने जस्ट उसे रीब्रांड करा हुआ है एज WP का फालतू का हल्ला है। थोड़ा सा आई हैव टू बी अवेयर अबाउट टेकिंग द कॉर्नर्स कि किस तरह से बाइक मुड़ती है। सस्पेंशन से वो चीज़ पे भी फ़र्क पड़ता है। तो एक बार आई थिंक 2-3 दिन का लगातार बाइक चलाऊंगा ना तो एडजस्ट हो जाएगा पूरा। इट्स लाइक ऑलमोस्ट राइडिंग अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, जितना टाइम उसके साथ यूज होने में लगता है वही नए सस्पेंशन के साथ भी सीन है। सो आई एम डूइंग 95+ राइट नाउ, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि बाइक बहुत ज़्यादा बाउंस कर रही है। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेस्ट, कि हाई स्पीड्स पे ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगी चीज़ें। अरे भाई ये कुत्ते कहाँ से आ गए यार। तो सो फार इट इज़ परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली फाइन, एंड आई फील यार आप लोग ना कनेक्टेड रहना मेरे साथ, बिकॉज अभी मैं वीकेंड पे एक थोड़ी सी राइड करेंगे रोहतांग अटल टनल एंड उसके बियॉन्ड सिस्सू वगैरह जिसपा जाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे आई थिंक वील गेट अ फेयर आइडिया कि ट्विस्टीज पे कैसे परफॉर्म कर रही है बाइक। एंड ये देखो अब ये थोड़ा सा ख़राब पैच आया है। ओ यार दिस इज़ अ ब्रीज, आई मीन दिस वाज द फर्स्ट वन। अब मैं गड्ढों में से निकाल रहा हूँ जान पूछ के, तो आगे वाला तो देखो हार्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीछे वाला इज़ बिहेविंग मच मच बेटर यार। इट्स लाइक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, मतलब इससे ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे तो आप पंगा ही होगा। एंड बाय द वे दिस सस्पेंशन इज नॉट एडजस्टेबल, सो मतलब आप इजीली इसको विदाउट टूल्स एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ इसमें नॉब नहीं दिया जो नॉर्मल बाइक्स में होता है मोनोशॉक में, इसको स्पैनर आई थिंक इसको टूल से एडजस्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो इसको ज़रूरत पड़ेगी यार कुछ करने की। मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, ये जो हल्का फुल्का भी पैच वर्क है ना रोड पे, ये ज़्यादा था सारा पीठ पे। अभी क्या हो रहा है कि आगे वाला तो हार्ड है, पीछे वाला जो इम्पैक्ट पीठ पे आ रहा है वो काफ़ी कम हो चुका है। आई थिंक इट्स जस्ट लाइक 10% लेफ्ट ऑफ
जो एक्चुअल हार्ड इम्पैक्ट होता था. सो स्लो स्पीड राइडिंग में दिस इज लाइक वेरी इजी. थोड़ा सा बाउंसी है बाइक, बट इट्स लाइक बिहेविंग जैसे एक ऑफ रोडर बिहेव करनी चाहिए. देखो आप इस गड्ढे में से निकल रहे हैं तो हल्का सा बाउंस है, ऐसा वो एक सडन जर्क नहीं है. तो आई फील लाइक दिस इज लाइक ग्रेट. ड्यूरेबिलिटी एक्सपल्स के सस्पेंशन की कितनी है, आई थिंक ऑल ऑफ अस नो के ठीक ठाक चलता है. लोग उसे पेलते हैं उस बाइक को अच्छे से, तो ये भी ठीक चलनी ही चाहिए. सो दैट वॉज माई राइड ऑन द न्यू अपग्रेडेड सस्पेंशन. अभी तक आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद दिस सस्पेंशन. सो आफ्टर कमिंग होम आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दिस सस्पेंशन अप क्लोज. इस सस्पेंशन को देखो, जो स्टॉक सस्पेंशन है ADV 390 का, इसमें नीचे वाले स्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा पास हैं, विच मेक्स इट अ लिटिल स्टिफ. नाउ द सस्पेंशन डेट आई इंस्टॉल्ड इज फ्रॉम द एक्सपल्स 200, डायरेक्ट फिट ऑन द एडवेंचर 390. दिस इज ऑल्सो मेड बाई एंड्योरेंस, सेम कंपनी ADV 390 का भी सस्पेंशन बनाती है, पर KTM ने इसे WP ब्रांड करा है जस्ट फॉर सेलिंग सेक. सो नाउ आई वॉन्टेड टू शो यू कि इस सस्पेंशन में रिबाउंड कितना इंप्रूव हुआ है. कंप्रेशन इज जब आप बाइक को दबाते हो वो ठीक था एडवेंचर 390 के स्टॉक सस्पेंशन का, बट जो रिबाउंड है वंस इट कम्स बैक, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है इस सस्पेंशन को इंस्टॉल करने के बाद. एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स द राइड कंफर्टेबल. इसके बाद जब आप गड्ढों में से निकलोगे सो आपके पीठ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना स्टॉक सस्पेंशन में आ रहा था. सो दिस होल अपग्रेड हैज़ कॉस्टेड मी अराउंड 6,200 रुपीज़. एक्सपल्स का सस्पेंशन 6,000 का आता है एंड 200 रुपये में फिटिंग हो गई KTM की वर्कशॉप पे. एंड आई थिंक दिस इज़ ऑलरेडी मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस. एंड What I was telling you while riding the motorcycle, एक disadvantage जो इसकी मेरे को लग रही है वो है seat height हल्की सी बड़ी है, but अगर आपकी height 5'9" से ऊपर है तो I think आप इसको easily manage कर लोगे, because ADV 390 का weight बहुत ज़्यादा नहीं है बड़ी bikes जितना. So I think this is a worthy upgrade. I'll be riding the motorcycle on the weekend. I'll do a longest sort of a ride and I'll share more feedback as well. So stay connected with me and let me know if you have any questions in the comment section below and I'll be happy to answer them. I'll see you in the next one guys. Bye bye.